हाय नमस्कार। सो आज अपने टूर पे मैं आपके सामने आया हूँ और ये है एक ग्रेटर नोएडा का एक और अच्छा कॉलेज मेरे श्रोताओं के लिए, NIIMS, जिसको हम कहते हैं नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब ये इंटरनेशनल शब्द इसलिए आता है क्योंकि इसके बगल में ही जो इसका मदर इंस्टीट्यूट है वो है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली NCR में बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज उनमें से एक है। BBA, MBA इस तरह के कोर्स कराती थी और फिर जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में प्राइवेट कॉलेजों की हालत, उसके हिसाब से इन्होंने पहले हॉस्पिटल खोला होगा और 2020 से इन्होंने ये स्टार्ट किया था यहाँ पर MBBS एडमिशन। डेफिनेटली कोई MD वगैरह नहीं है। तो लाइक ए टिपिकल प्राइवेट कॉलेज, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए खोला गए हैं। तो मैं अभी अंदर का चक्कर मार के आऊँ, पेशेंट इनफ्लो ना के बराबर है, बाकी फैसिलिटीज यू कैन इमेजिन। तो एज फार एज मेडिकल एक्सपोजर इज कंसर्न, दैट इज क्वेश्चनेबल लाइक मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज ऑफ इंडिया। बट इसके अलावा इंफ्रा बहुत अच्छा है। तो देखिए अक्सर क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की इंफ्रा की मेहनत खराब होती है, तो एटलीस्ट बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है, नो नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स, नीट एंड क्लीन कॉलेज। उधर देखिए हॉस्टल आपको नजर आएगा, अगर आप देखेंगे तो बहुत उधर तो उधर हॉस्टल है, बीच में लॉन्स हैं, ग्रीनरी आपको नजर आ रही है कि भाई वेल मेंटेन है पार्क। तो खर्चा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बना के छोड़ दिया। मैंने लास्ट टाइम कुछ वीडियोस बनाए थे जो कि अंदर से बहुत खराब थे, राइट, मतलब लॉन तक भी मेंटेन नहीं करते वो कॉलेजेस, उससे मुकाबले बेटर है। ग्रेटर नोएडा के फेमस परी चौक से ये तकरीबन 12 किलोमीटर पड़ता है। बेसिकली जो यमुना एक्सप्रेस वे जा रहा है दिल्ली से आगरा, उसमें ग्रेटर नोएडा से आगरा, तो उसके ये 12 किलोमीटर बाद है। लोकल आसपास कुछ नहीं है, इट्स प्रॉपर ऑन एक्सप्रेस वे। थोड़े बहुत बिल्कुल जो आसपास के गांव के लोग होंगे वही OPD में आ रहे हैं। तो पूरे अस्पताल में मुझे 20-25 लोगों से ऊपर नजर नहीं आए भाई, एज फार एज दी पेशेंट इन्फ्लो इज कंसर्न। अभी भी दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो वी कैन इमेजिन वट काइंड ऑफ मेडिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स वुड बी गेटिंग। तो अदर देन दैट इंफ्रा बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा लोकेशन ये है कि अब कहने को नोएडा ग्रेटर नोएडा पेरिफेरल में है, जबकि नोएडा से 30 किलोमीटर दूर है, ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर दूर है। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए जो लोग गवर्नमेंट मिस कर गए, प्राइवेट में ही पढ़ना है डेफिनेटली, स्पेशली UP में तो हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रायोरिटी लिस्ट है, जिसमें हम देखते हैं कॉलेज कितना पुराना है, PG चल रही है कि नहीं चल रही है, वो सब चीज़ें। और उन सबके मुकाबले ये थोड़ा नीचे आता है। 30 अगर UP में प्राइवेट कॉलेज है तो हमेशा मैं इस कॉलेज को अराउंड 20-22 की रैंक पर डालता हूँ, और उसी रैंक के लायक है। तो आपको और जानकारी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड हम आपको गाइड करेंगे आपके MBBS इंडिया एडमिशन की जर्नी में। तो ये है NIIMS ग्रेटर नोएडा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।